हम देखते हैं टेड पसलियो जो अपनी गर्लफ्रेंड के आगे रो रहा है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, फलाना ढिमकाना। पर इसकी गर्लफ्रेंड कहती है, मुझे तुझे में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने दूसरा बॉयफ्रेंड पटा लिया है, अब तो निकल यहाँ से, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी। तभी ये गिड़गिड़ाने लगता है, इसके पैरों में पड़ जाता है, इसके पैरों की धूल चाटने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तभी इसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, कहता है मैं बाहर वेट कर रहा हूँ बेबी, तुम आ जाना अपना निपटा के। आखिर ये बंदा है कौन? ये एयरपोर्ट पर काम करता है और ये सुनहरे बाल इसका बॉस है। तभी इसको दिखती है कि यहाँ लड़की, सुंदर लड़की जिस पर सबकी निगाहें हैं, इसकी भी निगाह टिक जाते हैं यहीं पर, क्योंकि ये बचपन से ही ठरके आदमी है। और देख के कहता है वाह क्या लड़की है। और ये घुंघरू बाल, ये इसका दोस्त है। बिल्कुल सही समझे, ये इसका दोस्त है जो यहाँ लड़कियों को चेक करता है, मतलब ये चेकिंग करता है सिक्योरिटी में। ये अपने सफ़ेद दांत दिखाती है और फिर चलने लगती है, लेकिन इसका बोर्डिंग पास रह जाता है जो टेढ़ पसली वापस लौटाता है, क्योंकि इसको तो चांस चाहिए लड़की से बात करने का। के बाद इसे एयरपोर्ट सामान में एक फ़ोन मिलता है, ये इधर उधर झांकता है और फिर फ़ोन मिला देता है कि देखो तो ज़रा ये फ़ोन है किसका। जब फ़ोन मिलाता है तो ये फ़ोन एक लड़की उठाती है। एयरपोर्ट पर आपका फ़ोन रह गया है, इसे मैं कहाँ पर लौटाऊँ? ये दरअसल इसी की फ्रेंड है, तो ये कहती है कि बेटा ऐसा कर, तू एक पार्टी का एड्रेस दे रही हूँ, तू वहाँ आ जाना। तो ये पार्टी में पहुँच जाता है अपने इस नीले कोट डोलू लड़के के साथ। इस नीले कोट की आँख फटी की फटी रह जाती है, यार कितनी औसम लड़की है यार, ये इतनी खूबसूरत, मतलब मैंने तो देखी ही नहीं है। और ये लड़की देख के थोड़ा ऑकवर्ड सा फील करने लगती है, और ये कहता है ये मेरा दोस्त है डोलू, ये लड़की घूरने में एक्सपर्ट है। हाँ, और इसके चेहरे की स्माइल बताती है कि ये लौंडा दीवाना है, आशिक है। कहते हैं मुझे तुमसे मिलके खुशी हुई। अगले दिन इसकी एक्स कहती है कि देखो हमारे बीच जो भी था उसे तुम भूल जाओ, तुम इस बात का बुरा मत मानना कि मैंने तुम्हें तुम्हारी डेट पसली के कारण छोड़ दिया। और इसको फिर गले लगाती है, और जैसे ये गले लगता है इसको कहती है दूर हट भूतनी, क्या बदबू आ रही तेरे में, पीछे धक्का दे देती है कि चल पर हट। ये कहता है ये कितनी कमीनी लड़की है। शाम को उसका दोस्त इसको दारू पिलाने के लिए पब ले जाता है, यहाँ पर ये खूबसूरत लड़की और इसकी दोस्त आ जाते हैं और कहती है हमारे पास हॉकी मैच के 2 टिकट हैं, क्या तुम दोनों ठहर के आना चाहोगे? तो ये कहते हैं क्यों और क्यों नहीं आने के, बिल्कुल आएंगे, हम तो इसी चीज़ के चांस में रहते हैं कि कोई हमें लड़की बुलाए और हम लार टपका के सीधा वहाँ पहुँच जाए। ये हॉकी मैच देखने पहुँच जाते हैं जहाँ पे डेढ़ पसली उछल उछल के कि है कैसा खेल रहा, राइट में से जा राइट में से। और उसके बाद ये दोनों लड़के देखते हैं कि ये क्या बकरा है, ताकि देखो मैं इन सारे प्लेयर्स का कोच रहा हूँ, मैंने इसको कहा था कि स्ट्रेटजी ऐसे बनानी है, पहले लेफ्ट जाना है फिर राइट जाना है। और ऐसे ऐसे करते अपना बखान करने लगता है कि मैं बहुत बड़ा हॉकी का प्लेयर रहा हूँ, मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, मैं सबका चीज़ हूँ, ऐसी इंटरेस्टेंट बातें करके इसे इंप्रेस कर जाता है। अगले दिन ये लंबी लंबी फेंकने लगता है कि तुमने देखा ना मैंने कैसे दोनों को इम्प्रेस किया, मेरा तो चाम ही ऐसा है, मैं सबको दीवाना बना देता हूँ, मैं सबको आशिक बना देता हूँ, मैं सबको अपने प्यार में अंधा कर देता हूँ। इसका दोस्त कहता है तुझसे एक कुतिया ना पटे, तू क्या लड़के की बात कर रहा है, अपनी शक्ल देख, वो तेरी औकात छोड़, तेरे पूरे परिवार की औकात से बाहर है, चल बैठ जानी चाहिए। लेकिन अगले ही दिन इसको लड़की खाने पर बुलाती है रात को कि बेटे खाने पर आ जाना, तो ये कहता है यार मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, मैं कौन से कपड़े पहन कर जाऊँ, मेरे पे तो अच्छे कपड़े भी नहीं है। तो ये कहता है भूतनी के अभी तो बहुत फेंक रहा था तू, कि मैं तो बहुत बड़ा डिजाइनर हूँ, लड़कियाँ मेरे प्यार में अंधे हो जाते हैं। रात को ही पहुँच जाता है फेरी का खाना खाने, यहाँ पहुँच कर ही आटी टेढ़ी हरकतें करने लगता है और यहाँ पर भी अपनी थ्योरी सुनाने लगता है। बाद ये वेटर को आवाज़ लगाता है, वेटर भूतनी का सुन बे जल्दी से बहुत सारा खाना लेकर आओ, अभी डेढ़ पसली से ढाई पसली होकर दिखाता हूँ, सारा खाना खा जाऊंगा सारा। बाद ये दोनों देखते हैं कि एक कपल पर्स रेस्टोरेंट में छोड़ के जाने लगते हैं, तभी ये जेंटलमैन बनकर दिखाने की कोशिश करता है और पहुंच जाता है पर्स देने, तो इसका पति इसको पैसे निकाल के देता है कि बेटे ये ले पैसे, तूने बहुत अच्छा पर्स किया लौटा दिया। तो उसने कहा देखो सर मैं यहाँ पर वेटर नहीं हूँ, मैं खुद खाने पे आया हूँ, सब इसे वेटर ही समझ रहे हैं। तभी जैसे ही अंदर आने लगता है तभी इसे लोग हाय करते करते अंदर जाने लगते हैं, हेलो हेलो, इसे लोग वेटर समझने लगते हैं क्योंकि इसने लाल ब्लेजर पहना था और सब इसको हेलो करने लगते हैं, और ये गार्ड की तरह गर्दन हिला हिला के हेलो हेलो करने लगता है। और जब सब अंदर चले जाते हैं सोचता है कि मैं क्यों गर्दन हिला रहा हूँ,
मैं गार्ड थोड़ी हूँ, भूतनी का पागल आदमी। इसके बाद ही जैसे ही अंदर जाता है और कुर्सी हटाता है तो इस लड़की का पुराना आशिक यहाँ पर आ जाता है और ये इसकी जगह बैठ जाता है कि बहुत अच्छे, दो गिलास पानी लेकर आओ ठंडा, जल्दी से जाओ। लड़की देखते कि ये क्या कर रहा है तो ये बताती है नजरों ही नजरों में कि ये है इसके साथ में खाने पाई, मेरी गलती, आई एम सो सॉरी, मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ मैं इसका पुराना आशिक हूँ, तुम नए हो, प्लीज़ बैठो, जल्दी से बैठो यहाँ पर, मेरी तरह अपना कटवा के लाइन में आ जाओ। और जैसे ही ये बैठता है इसकी कमर पे एक हाथ मारता है, इसका सारा पानी बाहर आ जाता है एक ही बूत में। हेड पसली कहता है देखो मैं नीति क्रिया कर रहा हूँ। इसके बाद ही है इसे अपने घर वालों से मिलाने के लिए लेके जाता है, जहाँ पर इसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी इसको घूर रही है कि यार ये तो मुझसे भी सुंदर लड़की है, टेढ़ पसली को कैसे मिल गई। इसके बाद ये अपने भाई के साथ हॉकी खेलना लगता है और यहाँ ड्रामे दिखा रहा घूम घूम के ही हु, और अपने भाई के सारे गोल रोकने लगता है। इसके बाद एक फाइनल राउंड होता है जिसमें टेढ़ पसली गोल मारने वाला है और इसका भाई गोल बचाने वाला है, और कैमरामैन कभी इसकी थूथड़ी पे कैमरा लगाता है, कभी इसके भाई की थूथड़ी पे कैमरा लगाता है, कभी मुंह में कैमरा दे देता है, कभी जूम इन जूम आउट जूम इन जूम आउट। उसके बाद ये गोल मारता है और ऐसा गोल मारता है कैरम बोर्ड की गिट्टी लेके हॉकी खेल रहे हैं कि तो इससे पहले इम्प्रेस है। यह इसके गले चढ़ के कूदने लगती है। इधर इसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती है देखो वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सही हूँ, तुम उससे दूर रहो प्लीज़। इसके बाद इसका दोस्त कहता है यार तू अपनी औकात से बहुत बाहर जा रहा है, तेरी औकात छोड़, मैंने कहा था तेरे परिवार की औकात से भी बाहर है वो लड़की, लेकिन तू उसके पीछे हाथ धो के पड़ा है, कम से कम अपनी शरीर नहीं कम से कम शक्ल तो देख ले, अपनी पर्सनैलिटी तो देख ले, तू कहाँ वो कहाँ, वो परी जैसी तू प्रेत जैसा, अगर उसने तुझे फूंक में मार दी तो तू बेहोश हो जाएगा, तू क्या कर रहा है यार, वो तुझे केवल घुमा रही है, तेरी काबिलियत नहीं है यार ऐसी लड़की तुझे मिले। फिर डेढ़ पसली चालू है, ये इसको मूवी दिखाने लेके जाता है, उड़ते हुए भालू के हाथ से हाथ मिलवाता है। इसके बाद इसका कुत्ता बन के इसी का कुत्ता घुमाने लेके जाता है। उसके बाद अपने पेरेंट्स से इसे मिलाते हैं कि ये मेरा नया कुत्ता है, मतलब मेरा नया बॉयफ्रेंड है। तो ये कहते हैं वाह बेटा डेढ़ पसली, पानी वानी पीते हो, खाना वाना खाते हो कि हवा फांक कर ही जी रहे हो। तो ये कहता है अंकल आपकी लड़की इतनी खूबसूरत है कि इसे देख लेता हूँ तो मुझे भोजन की प्राप्ति हो जाती है, जैसे पेड़ पौधों को सूर्य से मिलती है ऐसे ही आपकी बेटी को देखकर मेरे को दूर से ही एनर्जी मिल जाती है। यहीं पर इस लड़की का पुराना आशिक इसको कहता है यार वो परफेक्ट है, मतलब मेरी तो औकात से बाहर है, पता नहीं तेरी औकात में कैसे आ गई। वो दरहीन भावना आ जाती है कि मैं इस लड़की के लायक ही नहीं हूँ, मेरा दोस्त भी सही कह रहा था, इसका आशिक भी कह रहा था। तो लड़की कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर ये दोस्त वगैरह कौन बीच में आ गए, और देखो मैंने तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं किया है, मैंने तुम्हारे मन से प्यार किया है। और इसको लंबा चौड़ा भाषण देती है कि प्यार मन से होता है तन से नहीं होता, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रही हो, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, क्या मेरे दांत सफ़ेद नहीं है, क्या मेरे बाल भूरे नहीं है, क्या मैंने सफ़ेद कपड़े नहीं पहन रखे, तो मुझमें क्या कमी है बताओ, तुम ऐसे घूर क्या रहे हो, तुम अब भी घूर रहे हो, ओहो तुम्हें कोई और पसंद है, तुम्हें तुम्हारी एक्स से प्यार है। तो ये कहता है नहीं आई एम डन, मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया। के बाद ये वापस आके अपनी एक्स के ही मुंह लगता है। इसके बाद इसकी एक्स कहती है कि हम दोनों घूमने जा रहे हैं, टेढ़ पसली ने उसे छोड़ के बहुत अच्छा किया, वो एक नंबर की बेकार लड़की थी, मैं तो खूबसूरत हूँ, चले जानूँ। और ये फिर गर्दन से गर्दन अड़ा के यहाँ खड़े हो जाते हैं और अपने फ्लाइट का इंतजार करने लगते हैं। घुंगरू को गिल्ट होता है कि यार मैंने बहुत गलत किया, मैंने उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई, और ये भाग कर वापस जाता है अपनी एक्स के पास तो यहाँ पर सौदा बेच रही है। घुंगरू उससे पूछता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ा था। इधर ये दोनों प्लेन में बैठे हैं, तभी इसका दोस्त घुंगरू प्लेन में चढ़ जाता है और कहता है कि चल तो नीचे उतर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। और सब लोग कहता है कि मैं सिलोंडे को लेकर जा रहा हूँ, सब लोग आराम से बैठे रहिए। और ये इसको कहता है कि मेरी गलती है सारी, कि मैंने कहा कि तू उसके लायक नहीं है, तू उसके लायक है, मुझे भी मेरी एक्स ने इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं खुद को उसके लायक नहीं समझता था, इसलिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मेरे साथ चल। यहाँ पायलट आ जाता है और ये पायलट का कूलर पकड़ लेता है कि भूतनी के इतना जल्दी नीचे उतार, लेकिन अगले पल इसे घसीट के धक्के मार के लात मार के बाहर निकाला जाता है, बल्कि उठा कर बाहर फेंक दिया जाता है।
ये यहाँ पर बैठा है बेचारा कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ उस फुंदड़ के साथ घूमने जाने। घुंगरू दूसरी घुंगरू को फोन करता है कि तेरी फ्रेंड कहाँ है, जहाँ भी है उधर लेकर तुरंत एयरपोर्ट पर पहुँच, ये इमरजेंसी है, सारी मेरी गलती है, मैं बताता हूँ तेरे को क्या बात है। तो ये कहती मैं तुरंत आती हूँ उसे लेके, कहता तुरंत पहुँच, तुरंत एयरपोर्ट पर, गेट नंबर 4 पर मिल मुझे। इधर प्लेन में खड़ा हो जाता है और अपनी भाषणबाजी शुरू कर देता है कि देखो फैमिली, मुझे तुम लोगों से नफरत है, तुम ड्रामेबाज हो, टोंगीबाज हो, नौटंकीबाज हो, मतलब ये हो तुम लोग पीठ पीछे मेरी बुराई पीटते हो और मुंह पे मेरे आगे बड़ाई करते हो। मैं जा रहा हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के। तभी पीछे से एयर होस्टेस आती है और कहती है सीट पे चल, भूतनी का जल्दी सीट पे चल वरना तेरे गुड्डे ही तोड़ दूंगी, चल सीट पर पहुँच। तो इसको समझाने लगता है कि देखो ये प्यार का मैटर है, मुझे अभी प्लेन से उतरना ही पड़ेगा ताकि ये टेक ऑफ करने से पहले ही मैं नीचे उतर जाऊँ। तो ये कहती है नहीं 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 सीट पर जाओ, और ये अपना उल्टा सा लटका मुंह लेकर सीट पर बैठ जाता है और सब लोग इसे घूमने लगते हैं कि पता नहीं क्या क्या बकरा। इधर ये खूबसूरत परी एयरपोर्ट पर आ जाती है दौड़ती भागती और ये कहती है कि ये सब उसकी गलती है घुंगरू की। तो खूबसूरत अंदर जाने लगते हैं तो इसका सीनियर बीच में अड़ जाता है कि मैं तेरे को अंदर जाने नहीं देने वाला हूँ, दोनों बाहर जाओ। तो ये अपने सीनियर का गला पकड़ लेता और कहता है सुन, मैं तेरी बहुत इज्जत करता हूँ पर मुझे अपनी इज्जत उतारने के लिए मजबूर मत कर, इसलिए सीधे सीधे तरीके से मुझे अंदर जाने दे, पहले तेरी इज्जत की धज्जा उड़ाऊंगा फिर तेरा बैंड बजाऊंगा, इसलिए तुरंत दरवाजा खोल। भाई यार भूतनी का चश्मिस, तुझसे थक गया हूँ मैं, दरवाजा खोल वरना मैं नौकरी छोड़ दूंगा। दरवाजा खोल नाटे चश्मिस, अगर तुझे अपना मुंह नहीं तोड़वाना है। इसके बाद ये दोनों देखते हैं कि फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार है, यहाँ पर डिपार्टेड लिखा आ चुका है। अभी अपने दोस्त को फ़ोन घुमाता है कि सुन बे फ्लाइट रोक, जो कि वो अंदर ही काम करता था, ऐसा पाइप रेंच निकालता है प्लेन खोलने के लिए, कुछ ज़्यादा ही बड़ा पाइप रेंच ले रहा है, चल पड़ता है प्लेन रोकने। अभी डिपार्टेड से डिले हो जाती है फ्लाइट और ये दोनों चल पड़ते हैं क्योंकि अब सबको बाहर आना पड़ेगा। और ये अपनी ड्रेस बदल के बाहर आ जाता है कि मेरा हो गया, अब मैं थक चुका हूँ, तुझसे पक चुका हूँ। लेकिन इसकी एक्स गर्लफ्रेंड भूत की तरह इसके पीछे पड़ जाती है और ये इससे भागने लगता है, यहाँ से अपनी जान और दम दोनों बचा के भागने लगता है। तभी आगे से इसकी एक्स आती है और इसका एक घुसंट मारती है, जमीन पर पड़कर ये धूल चाटने लगता है और ये कहती है खड़ा हो भूतनी वाले, तेरी माँ बहन एक करती हूँ। और ये किसी तरह उठ के भागने लगता है लेकिन इसकी एक्स इसके पीछे इसके बाल नोचने लगती है, इसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ ये टकराता हुआ गिरता पड़ता लुढ़कता ये खुद को थोड़ा मजबूत करता है और एक हाथ ऐसा मारता है इसके मुंह पर कि ये दूर जाके पड़ती है इसकी ये ऐसी की तैसी और पहुँच जाता है इसके कदमों में। और यहाँ पहुँच कर कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैंने खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझा लेकिन मुझे अब यकीन है कि बिल्कुल मैं तुम्हारे लायक हूँ। और ये कहती है हाँ यही तो मैं समझा रही थी तुम्हें। ये कहता है कि मैंने तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी, ये जो पीछे भूतनी पड़ी थी इसकी वजह से मैं पागल हो रहा था और जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई मेरी ज़िंदगी ही बदल गई, मेरा काम में मन लगने लगा और मेरी रातों की नींद जो उड़ी थी वो भी आने लगी, लाना फलाना डिमकाना। और ये कहते हैं आई लव यू टू, आ जाओ गले लगते हैं। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है और ये दोनों एक छोटा सा प्लेन पकड़ के हवा में उड़ने लगते हैं। कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये पहली वीडियो है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।